हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट मोर्टर। यहाँ आप ब्रिक वर्क के लिए भी निकाल सकते हैं और प्लास्टर के लिए भी निकाल सकते हैं। दोनों ही वर्क के लिए आप यहाँ से सीमेंट मोर्टर की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है, सपोज करिए आपका G+10 का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, वहां पे आपको ब्रिक वर्क करना है, तो आपका ओवरऑल ब्रिक वर्क कितना क्यूबिक मीटर है, उसमें कितना आपका सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कैसे निकालते हैं। या सपोज करिए आपका G+10 का आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट है, इसमें आपको प्लास्टर करना है, सीमेंट प्लास्टर, तो आपका सीमेंट मोर्टर में कितना सैंड लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, ये कैसे निकालेंगे। अब कैलकुलेशन आप करेंगे तो बहुत लंबा भी है दोस्तों। अब क्या करना है, हमें डायरेक्ट निकालना है कि आप केवल वॉल्यूम मालूम होना चाहिए कि आपका, सपोज करिए कि आपका जो भी प्लास्टर वो 10 क्यूबिक मीटर हो रहा है आपका, या आपका जो भी ब्रिक वर्क का वॉल्यूम है वो आपका 150 क्यूबिक मीटर है, जितना भी आपका वॉल्यूम हो क्यूबिक मीटर में, वहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें आपको मैं मिक्स प्रोपोर्शन भी बताऊंगा, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर पर क्यूबिक मीटर। मैंने एक क्यूबिक मीटर के लिए आपके लिए क्वांटिटी निकाल कर रख ली है पहले से ही, तो यहाँ पे आपको मैं सैंड बताऊंगा। सीमेंट आपको तीन तरीके से बताऊंगा, जिसमें एक क्यूबिक मीटर में कितना सैंड लगेगा, नंबर ऑफ बैग आपका कितना लगेगा, बाय वेट केजी में कितना सीमेंट आपका लगेगा। ठीक है, देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरा चैनल जिसका नाम है फील्ड वर्क एक्सपर्ट। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करें, इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मिक्स प्रोपोर्शन है। अगर हम 1:1 रेशियो का सीमेंट मोर्टर प्रिपेयर करते हैं, यानी 1 part of cement 1 part of sand, ठीक है, बहुत कम करते हैं हम, बहुत ही ये वाटर प्रूफिंग वाली जगह करते हैं हम, अगर सपोज करिए बहुत ज्यादा लीकेज है या बहुत ही हार्ड मटेरियल हमें प्रोवाइड करना है जब हम अप्लाई करते हैं 1:1 का रेशियो। ठीक है, रिपेयरिंग में नॉर्मली हम प्रोवाइड करते हैं ये रेशियो। देखिए, सैंड यहाँ पे आपका कितना लगेगा, 0.65 क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर के लिए क्वांटिटी निकाली है ये मैंने, एक 10 क्यूबिक मीटर के लिए नहीं है दोस्तों, पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में आपका इतना लग रहा है, तो 10 क्यूबिक मीटर में आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपका 6.5 क्यूबिक मीटर आपका सैंड लगेगा। कैसे भी आप निकाल सकते हो, तो इतना सैंड लग रहा है आपका। सीमेंट कितना लगेगा एक क्यूबिक मीटर में, 0.69 क्यूबिक मीटर। अगर हम बात करें बैग में कैसे निकाला मैंने, 0.69 में आप 28.8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से नंबर ऑफ बैग आपके निकल कर आ जाएंगे, तो आपके लग रहे हैं यहाँ पे 20 बैग। बाय वेट अगर हम बात करें, आपका 50 केजी का बैग है तो 20 × 50 1000 kg। क्लियर, अगर हम बात करें मिक्स प्रोपोर्शन हमारा 1:2 रेशियो का है, तो हमारा सैंड लगेगा 0.96 क्यूबिक मीटर, 0.48 आपका क्यूबिक मीटर में सैंड लगेगा, 14 आपके बैग लगेंगे, 700 केजी उनका वेट होगा। अगर हम बात करें 1:3 रेशियो की, तो सेम प्रोसीजर है आपका, 1 क्यूबिक मीटर आपका सैंड लगेगा, 0.34 क्यूबिक मीटर आपका सीमेंट, 10 नंबर ऑफ बैग आपके सीमेंट के लगेंगे। अगर वेट निकालें तो 10 × 50 500 kg आपका सीमेंट का वेट हो जाएगा। आप कैसे भी निकाल सकते हैं बाय वॉल्यूम बाय वेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 1:4 रेशियो, यहाँ भी आपका सैंड जो है वो 1 क्यूबिक मीटर लगेगा, केवल आपका सीमेंट का वॉल्यूम जो है वो बदलता जाएगा, 0.27 0.28 0.17 0.13, ये आपको याद रखना है, या आप नंबर ऑफ बैग भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेशन करें उस टाइम। मैंने कहा 1:6 के लिए 10 क्यूबिक मीटर के लिए आपको मोटर निकालना है, सीमेंट मोटर में कितना सैंड लगा कितना, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 10 × 0.17 × 10 × 5, यहाँ से आपके 50 बैग आएंगे और 10 × 0.7 करोगे तो आपका जो भी आपकी वैल्यू आएगी 0.518 जो भी, तो वो आपका प्रोवाइड आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 1.33 का मल्टीप्लाई करें, ड्राई टू वेट वॉल्यूम में कन्वर्ट करें, जब जाकर 28.8 का मल्टीप्लाई करें, तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही 1:8 रेशियो, सपोज करिए आपका 1:8 रेशियो में आप प्लास्टर या सीमेंट मोर्टर प्रिपेयर करा रहे हैं ब्रिक वर्क के लिए, ठीक है, तो क्या सैंड लगेगी आपकी, 1 क्यूबिक मीटर आपकी सैंड लगेगी, यहाँ पे आपका सीमेंट लगेगा 0.13 क्यूबिक मीटर, ये बाय वॉल्यूम आपका डिपेंड कर रहा है। देखिए 1:6 में आपका 0.17 था, 1:8 में 0.13 था, 1:5 में 0.28 था, 1:4 में 0.27 था, 1:3 में 0.34 था, 1:2 में 0.48 था, तो ये डिपेंड करता है बाय वॉल्यूम पे सीमेंट की क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ से आप नंबर ऑफ बैग निकाल सकते हैं 28.8 का मल्टीप्लाई करके, वेट निकालना है आपको तो 50 का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बैग में। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है फील्ड वर्क एक्सपर्ट। अपकमिंग 500 to 600 वीडियोज आने वाले हैं हमारे, लाइक कमेंट शेयर जितना चाहो आप उतना कर सकते हो। देखने के लिए धन्यवाद।